आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है ब्रेथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 की जीवा जो केंद्र पर समकोण बनाती है के मध्य बिंदु का बिंदु पथ है। तो हमें क्या करना है, दिए गए जो व्रत है इसका क्या करना है, एक जिसकी जीवा है उसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ हमें निकालना है। ठीक है, तो मैंने एक व्रत बना लिया, यहाँ से कोई जीवा मान लेते हैं, ये इसकी जीवा हो गई। ठीक है, तो अब जो इसका जो मध्य बिंदु है इसका हमें बिंदु पथ निकालना है, तो ये हमारा केंद्र होगा। अब देखिए व्रत के समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ से मैं क्या क्या निकाल लेता हूँ, केंद्र निकाल लेता हूँ। तो केंद्र क्या आएगा, 0,0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 क्या है, सामान्य समीकरण है जिसके केंद्र क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। और यहाँ से आर की हम बात करें तो ये करें ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अभी पता चल गया कि जो केंद्र है 0,0 है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो दी गई जो जीवा है जो केंद्र में समकोण अंतरित कर दिया। ठीक है, ये क्या है, कौन जो है समकोण है, तो ये कौन कितने होंगे, 45 डिग्री होंगे। ठीक है, अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये ओ हो जाएगा, ये एम। तो मैं क्या करता हूँ, केंद्र से जीवा पर लंब डालता हूँ, तो लंब कहाँ जाएगा, ए बी के मध्य बिंदु पर। ठीक है, तो एम के निशान क्या हो जाएंगे, एच कोमा के। तो और ओ एम की मैं बात करता हूँ, तो ओ एम कितना होगा, अगर मेरा ओ ए कितना है, 2 है, क्योंकि क्या है आर है, तो ओ एम बराबर आ जाएगा 2 cos 45 degree। ठीक है, या 2 sin 45 degree। ठीक है, और ओ एम का मान कितना होता है हम जानते हैं, कितनी दो बंदों के मध्य दूरी कैसे निकालते हैं अपन, एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 2/√2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर, या वर्क करोगे तो 2 4/2, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2 आ गया। और एच और के क्या लिया था मैंने, एम बिंदु के निर्देशांक लिखे, तो इसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। तो ये हमारे समीकरण आ गए किसकी, जीवा के मध्य बिंदु के बिंदु पथ की। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 आ गए। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। आशा करूंगा आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।